नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल द रेसिपी अड्डा में। आज हम लोग बनाएंगे भंडारे वाले बैंगन आलू की सब्ज़ी, बिल्कुल फटाफट और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के बैंगन को काट लिया है, रफली आप काट लीजिए। और उसके ही साथ मैंने 2 छोटे आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने बड़े टुकड़ों में काट करके ले लिया है। 2 टमाटर रफली चॉप्ड, उसके अलावा तड़के के लिए जीरा, हींग और हल्दी। बस अब हम इसको छौंकेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म कर लिया है। 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो तड़के का सामान रखा है, जीरा, हींग और हल्दी पाउडर। ये तीनों ही हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें बैंगन और आलू दोनों ही छौंक देंगे। तो ये देखिए, इसमें मैंने अपना बैंगन और आलू दोनों को ही डाल दिया है। इससे 2 से 3 मिनट बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। जब बैंगन थोड़े से गर्म हो जाएंगे, बैंगन और आलू, हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और उसके बाद हमें 5 से 10 मिनट तक इसे बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ देना है, जिससे कि बैंगन और आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, मिक्स करके अब इसे ढक करके मैं 5 से 10 मिनट तक छोड़ दूँगी। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो आलू हैं थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएँ। एक बार आलू सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही हम टमाटर और बाकी की चीज़ों को ऐड करेंगे। तो अब मैंने ये देखिए 7 से 8 मिनट बाद इसे खोला है, तो ये देख सकते हैं आप, बैंगन भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं और आलू भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो 2 चॉप करके मैंने टमाटर रखे थे वो डालेंगे। साथ में डालेंगे हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। ये दोनों ही चीज़ों को साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिलाएंगे और मिला करके ढक करके इसे रख देंगे। और इसे तब तक हमें पकाना है जब तक कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट और मशी ना हो जाए, बिल्कुल गल ना जाए। ऐसा करने में देखिए 7 से 8 मिनट और लगा, और ये देख सकते हैं आप, टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, साथ में है ये काला नमक और भुने हुए जीरे का पाउडर। ये एक साथ मिक्स करके मैं रखती हूँ। और 1 पिंच ये लौंग का पाउडर है, लौंग को हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और ढक कर के अगले 5 मिनट और पकाएंगे, ताकि मसाले बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाएं और बाकी सब्जियों के साथ मिक्सअप हो जाएं। इसे ढक कर ही पकाएंगे। तो ये देखिए 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मसाले बिल्कुल भुन गए हैं और हमारी सब्ज़ी लगभग रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लास्ट के जो मसाले हैं वो। उसमें मेरे पास है गरम मसाला, आप चाहें तो डालें, नहीं तो ना भी डालें। और साथ में हरी धनिया, ये 2 चीज़ों को बिल्कुल लास्ट में हम डालेंगे। और अच्छे से मिक्स होने के बाद थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट और इसे पकाकर हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और सर्विंग के लिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये 1 से 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, तेल किनारों से छूट रहा है, बिल्कुल अच्छे से भुनी हुई सब्ज़ी हमारी रेडी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बना करके।